even get some drugs. Hey guys, what's up? This is your boy Sumit Pethani. I'm back again with a new video, guys. So I hope you all are doing absolutely great. So guys, आप amazed हो करेंगे title और thumbnail देख के कि हम बॉम्बे से सीधा Statue of Unity कैसे पहुँच गए. तो मैं आपको एक छोटा सा story बोलता हूँ कि मैं जब अपना video edit कर रहा था Wonder Park वाला. अगर आपने मेरा वंडर पार्क वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं यहीं कहीं दे दूंगा. हाँ, तो मैं वंडर पार्क वाला वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे एक कॉल आता है मेरे मामा की तरफ से और उन्होंने मुझे पहला चीज़ बोला कि क्या तुझे एक वीडियो बनाना है. तो मैंने बोला यस. तो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी ला रहे हैं तो आ जाओ. तो वी यूट्यूबर आर द हंग्री ऑफ कॉन्टेंट. तो हम अच्छा कॉन्टेंट के लिए हम निकल पड़े स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ. तो माय मामा लिव्स इन वलसाड. तो उन्होंने बोला कि आज तू वलसाड आ जाओ और संडे मॉर्निंग 5 o'clock को हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निकल जाएंगे. तो मेरे घर से स्टैचू ऑफ यूनिटी समथिंग 410 किलोमीटर है और वलसाड से अगर आप जा रहे हो तो आपको 220 किलोमीटर है. तो अगर आप यहाँ से वलसाड जा रहे हो तो समथिंग 3 to 4 hours का ट्रेन जर्नी है. तो मैंने क्या किया, उसी दिन अपना बैग पैक किया और वलसाड की तरफ निकल गया. शाम को मैं निकला और रात तक हम पहुंच गए वलसाड. और सेकंड, तो गाइज आज है सेकंड डे और टाइम हो रहा है कुछ 6 बजे, सुबह के 6 बज रहे. आई नो हम 5 बजे निकलने वाले थे बट थोड़ा सा लेट हो गया तो अभी बज रहे 6. तो हम अपने सफर की शुरुआत कर चुके हैं. तो या लेट्स गो. हम लेके आए थे अपनी पर्सनल कार, ठीक है. तो अगर आप अपनी पर्सनल कार लेके आ रहे हो या पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हो तो आपको उसे 5 किलोमीटर पहले ही छोड़ देना पड़ेगा. मींस बिफोर 5 किलोमीटर्स यू हैव टू लीव योर कार और पार्क योर कार. तो जो पार्किंग चार्ज है वो कार के लिए 50 रुपीज और बस और टवेराज के लिए है 100 रुपीज. तो अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हो तो आपको वो 5 किलोमीटर पहले ही छोड़ देना पड़ेगा और वहां से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बसेस मिलेगी. तो हम चलते हैं बस की तरफ. तो गाइस हमारे साथ हो गया था एक छोटा सा मिस्टेक. तो हम अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं गए थे. तो ये मिस्टेक आपके साथ ना हो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ. जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी एंटर करते हो तो वहां का एंट्री चार्ज है 380 रुपीज एंड 150 रुपीज. 150 रुपीज में आपको जो स्टैचू जहां से स्टार्ट हो रहा है स्टैचू का फीट है वहां तक आपको जाने देते हैं. अगर आप 380 वाले टिकट लेते हो तो आपको स्टैचू के चेस्ट अराउंड हियर ऊपर तक लेके जाते हैं आपको, ठीक है. तो जो 380 रुपीज वाला टिकट है वो पर डे 7000 का स्लॉट है. मीन्स 7000 पीपल वो टिकट ले सकते हैं, उसके बाद वो टिकट हो जाता है सोल्ड आउट. तो हम वहाँ पे पहुँचे अराउंड 11 और 10:30 अराउंड 11 हम वहाँ पे पहुँचे तब वो टिकट कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुका था. मैं आपको बताता हूँ कि उसका रीज़न क्या है. तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा. अगर आप कभी भी स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हो तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करके जाओ क्योंकि लोग पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करके रखते हैं. एंड फिर बेनिफिट उसका दो चीज़ है यहाँ. एक तो आपको इतना बड़ा क्यू नहीं लगाना पड़ता है कि इतनी बड़ी लाइन होती है वहाँ पे टिकट के लिए, वो आप उससे आप बच सकते हो. एंड सेकंड आपको अर्ली एक्सेस मिल सकता है, आप वो 7000 के अंदर आ सकते हो और आपको ऊपर जाने मिल सकता है. तो हम जब वहाँ पहुँचे थे तब वो टिकट कम्प्लीटली हो चुका था सोल्ड आउट. तो या तो हमें वो टिकट नहीं मिला, हमें मिला 150 वाला टिकट जो फीट तक ही पहुँचने मिलता है. और गाइस जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए अंदर से बस चलती है वो आपके टिकट में इंक्लूडेड होता है, उसका अलग से कोई भी चार्जेस नहीं है. तो आप बेफिक्र रहिए उसके लिए. और हाँ, ये एक छोटा सा हमारे सबके लिए लेसन था. तो आप नेक्स्ट टाइम जाएं तो ऑनलाइन टिकट बुक करें. तो हम चलते हैं बस में और लेट्स गो.
तो गाइज एज वी टॉक अबाउट द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज एन स्टैचू ऑफ इंडियन स्टेटमैन एंड द इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट द सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज बॉर्न इन 1875 टू 1950. ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. द स्टैचू इज लोकेटेड ऑन द रिवर फेसिंग द सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा इन केवेडिया कॉलोनी. इट इज अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम वडोदरा एंड अराउंड 150 किलोमीटर फ्रॉम सूरत. तो अगर आप वडोदरा से आ रहे हो तो इट इज अराउंड 100 किलोमीटर और अगर आप सूरत से आ रहे हो तो इट्स अराउंड 150 किलोमीटर. एंड एज वी टॉक अबाउट द स्टैचू सो दिस स्टैचू इज द वर्ल्ड्स tallest statue at around 182 meters, that is 597 feet. The costing of building this statue is around 3000 crore Indian rupees. And this contract won by the company name Larsen and Toubro on 27th October 2014 for its lowest bid of rupees 2989 crores. So yeah guys, तो गाइस ऊपर और नीचे आने के लिए एस्केलेटर फैसिलिटी है तो वो बहुत एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है बिकॉज आपको स्टेप्स चढ़ने नहीं पड़ेंगे. तो गाइस स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक हेलीकॉप्टर राइड भी है जिसका चार्जेस समथिंग 3000 टू 3500 रुपीस था. तो हम जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, इस टाइम हमने एक्सप्लोर नहीं किया है. तो या तो गाइज ग्राउंड फ्लोर पे नीचे एक बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो हम थोड़ा थक गए थे धूप के वजह से और लाइन में खड़े रह रहे के तो हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया. बट आप जब भी जाओ उसे एक्सप्लोर करो, बहुत ब्यूटीफुल बनाया है. yeah. तो गाइज अब हम बात करते हैं माई एक्सपीरियंस टू स्टैचू ऑफ यूनिटी. तो एज एन यूट्यूबर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था उधर कि आप अपना कैमरा एकदम फ्रीली कहीं भी किधर भी यूज़ कर सकते हो. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं मेरा कैमरा किधर भी यूज़ कर सकता हूँ. और अगर बात करूँ मेंटेनेंस की तो बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था. एज यूजुअल चार्ज भी उतना ही ले रहे तो ऑब्वियसली मेंटेन तो होना ही चाहिए. तो हाँ, मेंटेन बहुत था, क्लीनिनेस ऑब्वियस था. एंड या तो गाइज अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आने का टाइमिंग है मॉर्निंग 7 o'clock टू इवनिंग 5 o'clock. एंड 7:30 को वहाँ पे लेजर शो भी होता है जो हमने वो भी मिस कर दिया. तो या एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी मंडे को क्लोज रहता है तो आप जब भी कभी आओ तो मंडे इग्नोर करो, आप बाकी डेज आ सकते हो क्योंकि मंडे मेंटेनेंस रीजन की वजह से बंद होता रहेगा. तो या सो या गाइज दिस इज माई एक्सप्लोरिंग वीडियो टू स्टैचू ऑफ यूनिटी. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. और या गाइज सो दिस इज योर व्यूअर्स विद रानी हियर साइनिंग आउट. बाय बाय.